चमचागिरी तो मैं मेरे बाप की भी नहीं करता। चमचागिरी तो मैं मेरे बाप की भी नहीं करता। अगर मैं मेरे बाप की भी करता तो आज इस जगह नहीं होता। उसने तो मना किया था। मैंने तो सचिन पायलट को इसलिए बड़ा भाई माना ताकि जो गुजर मीणा में खाई पड़ी हुई है करना चाहते थे, जो इनके मतभेद हो गए थे, जो इनमें खटास आ गई थी, उस खटास को नरेश मीणा खत्म करना चाहता था। मेरे भाई नरेश मीणा खटास को खत्म करना चाहता था। इसी कारण से मैंने रात दिन सचिन पायलट के लिए एक कर दी। मेरे भाइयों, कई लोग कहते हैं सचिन पायलट की चमचागिरी करता है। चमचागिरी तो मैं मेरे बाप की भी नहीं करता। अगर मैं मेरे बाप की भी करता तो आज इस जगह नहीं होता। उसने तो मना किया था। इसको समझा दो, ये देवरी नहीं जाएगा, ये निकले नहीं लड़ेगा। लेकिन मैं मेरे दिल की सुनता हूँ, आत्मा की सुनता हूँ। मैंने मंजिल बना रखी है। उस मंजिल तक जब तक नरेश मीणा नहीं पहुंचेगा तब तक ऐसे ही आप लोगों के बीच में घूमता रहेगा। मैंने सचिन पायलट की चमचागिरी नहीं की। मैंने तो सचिन पायलट को इसलिए बड़ा भाई माना ताकि जो गुजर मीणा में खाई पड़ी हुई है ये खाई खत्म हो जाए। मेरे भाई, मेरे पद के लोभ में, एमएलए बनने के लिए, सांसद बनने के लिए सचिन पायलट को नहीं पकड़ा। मैं तो चाहता था कि गुजर मीणा वापिस से भाई भाई हो जाए, शादी ब्याह में एक साथ बरात में जाए, एक साथ खान पीन में जाए, जन्म मरण में एक साथ रहे। और मीणा समाज उसके लिए डरे बिठाकर स्वागत सत्कार कर रहा। और जिस तरह से आपने चुनाव देखा हो, जो आपने चुनाव देखा होगा कोटा का, जैसे आदिवासी भाइयों ने हमारी लाज रखी, अरे वो तो बिरला सेठ बच गया, वो तो बिरला बच गया। 200 करोड़ खर्च कर दिए, पूरी पुलिस लग गई, प्रशासन लग गया, सरकार लग गई, सत्ता लग गई, तब भी कितने वोटों से जीता? मात्र 40। लेकिन मैं उस धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस देवनान के बेटे को, उस माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने प्रहलाद कुंजल को जन्म दिया, वो प्रहलाद कुंजल जिसके लिए मैंने वो मेहनत करी। लेकिन मेरे भाइयों, आपने देखा होगा वो एक कांग्रेस का सीनियर लीडर है, उसने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा, उसने अपनी लिमिट को तोड़ा, राम के बेटे नरेश मीणा के लिए हाईकमान से मांग कर डाली कि नरेश मीणा को टिकट। उस गुजर के बेटे ने, उस साधु माता के बेटे ने, उस देवनान के बेटे ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह से उसने नरेश मीणा की टिकट की दावेदारी करी, पूरा मीणा समाज आज गुंजर की जय जयकार कर रहा है, देवनान भगवान की जय जयकार कर रहा है। अरे मेरा तो यही तो सपना है, मेरा यही तो सपना है कि ये जो किसान जातिया है, ये हम सब लोग मिलकर जी महाराज की जय करें, भगवान देवनार की जय करें, मीर भगवान की जय करें, कृष्ण भगवान की जय करें, जिससे लोग जिससे सम्मान खुश होते हैं। यही तो कर्म हमें करने चाहिए। मेरे भाई, हमें उम्मीद है। कल एक नाम आ गया था कि यहाँ का सांसद, जिसको आपने सांसद बनाया, वो किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहता है जो 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का प्रचार कर रहा था। अगर उसकी क्वालिटी है, उसकी खूबी है, जिसका नाम केसी मीणा है, तो मैंने सुना है कि उसने नौकरी करी है, उस नौकरी में खूब मलाई खाई है और अब नेतागिरी में आके भी मलाई खाई है। इसने नौकरी कभी,